नहीं लिए, यहाँ पर नहीं मिला, करोल बाग में नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बताया कि चांदनी चौक में जो भगीरथ मार्केट है वहाँ पर मिल जाएगा। अब हम वहाँ पर जा रहे हैं ये रोबिन कनिका और लड्डू को घर छोड़ कर आए हैं। वृंदावन घर नहीं, दिल्ली में हैं हम इस वक्त, गेस्ट के घर हैं, तो हम वहीं पे छोड़ कर आए हैं। तो हम मार्केट में जा रहे हैं और पता नहीं भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, मिला नहीं फोटो वाले भैया बोल रहे हैं कि हर तरीके का माइक मिलेगा, देखो जैसे दिन करे मार्केट ही इसी चीज की है, मे भी अच्छा मिल जाए, बहुत अच्छा। यहाँ पे वो भी मिल रहा है जो लोग मैट टू मैंने वीडियो बनाई थी एक बार, ट्रायल वीडियो, और आप लोगों को ठीक भी लगा था, पर मुझे खुद में उतना अच्छा नहीं लगा जितना उसका प्राइस था। पता है कितना उस पर 2999 मेंशन था, इतने में तो इतना अच्छा माइक आएगा, इतना अच्छा माइक आएगा, बहुत बढ़िया। गूगल करके, गूगल का फोटो दिखाओ। अच्छा जो आप कह रहे हैं 35 से 4 हज़ार तक, एक बार उसको ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं एक बार दिखाना हो। जो 35 से 4 हज़ार तक आप कह रहे थे, एक बार उसका ट्राई दे दीजिए। अभी हम शॉप पे ही हैं, देखो माइक तो साफ कर लो, करना बड़ा दिक्कत वाला काम है। देखो माउंट दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे। बंगाल में हेलो राधे राधे सबको, नमस्ते सबको, नमस्ते। माइक स्टैंड और सेल्फी स्टिक। फाइनली 3:14 हो गए हैं, अब हम घर पहुंचने वाले हैं। माइक हाँ, मैं थक चुकी हूँ, पर ये फाइनल हो गया, स्टैंड माइक सेल्फी स्टिक मैंने सब ले लिया। ये हमारी छुट्टी है, सबको देखती हुई चल रही है, सोई नहीं है, थोड़ी बहुत देर सोई है, थोड़ी बहुत देर देखती हुई चल रही है सबको। और ये पहली बार ना ना वृंदावन से आए तभी हम मेट्रो से आए थे, है ना, सेकेंड टाइम विजिट है इसका छुट्टी का मेट्रो में। देखो आप रोबिन, एक सेकंड रुक जाएंगे, रुक जाओ, वो रोई है अभी, सबको ऐसी देख रही है, अरे ये फिंगर खाती है। हेलो छुटकी, ये है वो माइक जिसके लिए मैंने जगह जगह स्ट्रगल किया। पता है मैंने ना वहाँ पे जाने के बाद मैं शूट कैसे करती हूँ, मैं चेक कैसे करती हूँ माइक, मैं चॉकलेट ली हुई थी स्नेकर की, स्नेकर जो होती है वो वाली चॉकलेट, और मैंने लगभग 6 माइक उतना ही था, 6-7 माइक निकलवाए थे, 6-7 माइक के साथ में दूर जाके गैप बना के काफ़ी दूर में गई थी, दूर जाके तब मैंने क्रंच करके अलग अलग वीडियो बनाई थी उस स्नेकर को खा के, तब मैंने वो वीडियो शूट करी थी, तब जाके मैंने ये वाला माइक फाइनल करा था। इसका साउंड मुझे अच्छा लगा था, उन 6 में से सोचो वो किस क्वालिटी के होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं आप। अरे बहुत गंदी क्वालिटी यार, बहुत गंदी, बस पन्नी खोलने की आवाज़ आ रही है, उसके बाद में आवाज़ ही नहीं आ रही, ऐसे ऐसे माइक थे। खैर लेकिन मैं फिर भी गई, मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा, मे बी आईफोन में शायद उतनी ऑप्शंस मेरे पास नहीं है, शायद मे बी। अब जहाँ मैं गई थी वहाँ पे तो बहुत सारी दुकानें थी, पूरी खान आप कह सकते हैं। मैं कहाँ गई थी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, लोगों में दिख जाएगा, मैं ना ये वीडियो काफ़ी लेट शूट कर रही हूँ ये वाला पार्ट, क्योंकि मैंने पहले इसका रिव्यू किया है उसके बाद मैं शूट कर रही हूँ। बकवास माइक है, टोटली दबी दबी आवाज़ आती है, घुटी घुटी आवाज़ आती है, व्लॉगिंग के लिए अच्छा है बट ASMR के लिए बकवास माइक है, बकवास एकदम बकवास, मैं तभी बता रही थी आपको वीडियो बनाते वक्त ही, तो टोटली बकवास है मेरी तरफ से, ये मेरे पैसे वेस्ट है,
बस यही मेरा रिव्यू था, यही मेरी चीजें थी। खामे का गए आए, फैमिली को भी परेशान किया अपने साथ। शुक्र है कि वहाँ पे हमारे जानने वाले गेस्ट रहते हैं, जिसकी वजह से मैं कनिका लड्डू को वैसे मैं सबके साथ नहीं छोड़ती हूँ, बट बिलीव था अच्छे, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से। तो मैंने कनिका और लड्डू को तो वहाँ पे छोड़ दिया था, छुटकी को साथ लेके गई थी क्योंकि मुझे पता था 2-3 घंटे लग जाने हैं और छुटकी उतनी देर मेरे बिना नहीं रह पाती, उसे फीड भी चाहिए और भी चीज़ होती हैं छोटे बच्चे की, बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो मैं उसे अपने साथ ही लेके आई थी। बाकी लड्डू और छुटकी को, उसे कनिका और लड्डू को, इतना नेम कन्फ्यूजन होने लगा है ना। हाँ, तो कनिका और लड्डू को तो मैंने उन्हीं के पास छोड़ दिया था, उसके बावजूद भी मैं ये लेके आई। मतलब इसमें मेरी गलती नहीं है, वहाँ चीज़ें ही इतनी गंदी थी और उसमें से मेरे माइंड में सेट था कि आज मैं इतनी दूर से आई हूँ, मुझे एक सिलेक्ट करना ही करना है, नहीं तो मैं इसको रिजेक्ट कर देती। क्या करें, चलिए मिलते हैं प्रॉपर व्लॉग में। मुझे तो लग गया चूना, कोई बात नहीं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ये तो चलता ही रहता है ज़िंदगी में। बाय बाय।